हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक चाइनीज रेसिपी लेके आई हूँ, हक्का नूडल्स की रेसिपी, जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए, पर ये कहना गलत है कि बच्चों को, क्योंकि चाहिए हक्का नूडल्स तो हम सबको घर में बहुत अच्छे लगते हैं और बनाने भी बहुत आसान होते हैं और इसमें बहुत सारी वेजीज पड़ जाती है और घर में बने हक्का नूडल्स वैसे भी हेल्दी हुए, साफ ऑयल पड़ता है, सब कुछ घर का सामान हेल्दी सामान पड़ जाता है। तो चलिए अब हम हक्का नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अगर मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं हक्का नूडल्स। हक्का नूडल्स बनाने के लिए देखिए, मैंने एक बहुत बड़ा पैन लिया है, उसमें मैंने पानी डाल के उसको उबलने रख दिया है। हम नूडल्स उबलने तब डालेंगे जब पानी बहुत अच्छे से बॉयल होने लगेगा। ठंडे पानी में नूडल्स बिल्कुल भी नहीं डालने, नहीं तो वो बहुत ही स्टिकी हो जाएंगे और ज़्यादा ओवर कुक किया तो हो जाएंगे, क्योंकि जब तक उबलेगा पानी वो धीरे 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 कुक होते रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये पैन में जो पानी है इसको बॉयल कर लेना है। तो चलिए, जब बॉयल हो जाता है तो उसमें हम नूडल्स उबलने के लिए रखेंगे। तक पानी बॉयल हो रहा है, मैं आपको वेजिटेबल्स बता देती हूँ। मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिए, उनको बीच से हाफ काट लिया है, उसके बाद उसके आधे आधे लच्छे काट लिए। कैरेट, एक कैरेट ली है, उसको लंबा लंबा काटा है, और एक कैप्सिकम है, लंबा लंबा काटा है। एक बेल, हाफ बेल पेपर ली है, इसको लंबा लंबा काटा है, और कैबेज ली है, 1/4 कैबेज ली है, कैबेज बड़े साइज़ की थी, और दो ग्रीन चिलीज ली हुई है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वेजिटेबल्स आपको लंबी लंबी ही काटनी है, क्योंकि हक्का नूडल्स में उसके शेप की, नूडल्स के शेप की ही वेजिटेबल्स कटी हुई अच्छी लगती हैं। तो इनको आप पतला पतला लंबा लंबा ही काटिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा पानी बॉयल हुआ कि नहीं हुआ। अब हम पानी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पानी अच्छे से बॉयल हो गया है। इस टाइम पे हमने इसमें अराउंड 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालना है, और इसके बाद इसको हाई फ्लेम पे ही रखे रहना है। इसकी फ्लेम इसको धीरे बिल्कुल भी नहीं करना है, या मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये हक्का नूडल्स। ये मैं डाल देती हूँ इसमें ये हक्का नूडल्स। इसको हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, हल्का सा एक बारी हम इसको ये कर लेंगे, इस तरीके से हिला लेंगे बस। ये देखिए, 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही उबलते पानी में छोड़ देते हैं, केवल 1 मिनट के लिए। देखिए, 1 मिनट हो गया इनको बॉयल होते हुए हाई फ्लेम पे। ये देखिए, एक एक नूडल ये अलग हो गया, बिल्कुल एक दूसरे से स्टिक नहीं हुए, बिल्कुल अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। अब इस टाइम पे हमने बस करना क्या है, इनको कुकिंग टाइम इनका बॉयल करना 2 से 3 मिनट होता है मैक्सिमम। तो अभी 1 मिनट हो गया, अब 1 मिनट के लिए हम इनको कवर कर देंगे और इसके बाद 1 मिनट के लिए ऐसे कवर करके छोड़ देते हैं इनको। 1 मिनट हो गया, चलिए अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए नूडल्स, ये देखिए देखिए परफेक्ट, बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गए हैं। गैस बिल्कुल बंद कर देंगे हम, और इसके बाद ये देखिए, चेक करिए, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गए। हमें इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, अराउंड 70-80% ही पकाना है, क्योंकि अभी हम एक बार फ्राई करेंगे वेजिटेबल्स के साथ तो वो बाकी का भी पक जाएगा, और ज़रा सा भी ज़्यादा ये पक गए तो ये बिल्कुल स्टिकी हो जाएंगे। तो अब हमें इनको फटाफट स्ट्रेन करके और ठंडे पानी से अच्छे से 2-3 बारी धो लेना है। चलिए अब इनको स्ट्रेन कर लेते हैं नूडल्स को। मैंने 2 से 2.5 मिनट लगाए मुश्किल से कुकिंग में, और इसके बाद चले हम स्ट्रेन करके ठंडे पानी से 2-3 बारी धो लेते हैं। मैंने इनको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया नूडल्स को, और बिल्कुल ध्यान रखा है कि इसका पानी बिल्कुल निकल जाए, अच्छे से पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल पानी ज़रा सा भी होगा ना तो वो उतने अच्छे नहीं बनेंगे नूडल्स। तो पानी बिल्कुल एक तो हमने अच्छे से निकालना है, और इसके बाद देखिए, अगर हम इनको ठंडे पानी से, मैंने 3-4 बार धो लिया है, उसका इसलिए धोना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ये हम गर्म रख के इसको छोड़ देंगे तो ये कुक होते रहेंगे अपने ही टेम्परेचर से। और दूसरा, ये मैदे के बने होते हैं आपको पता ही है, तो जब बॉयल करते हैं तो मैदा निकलता है, आपस में स्टिक होने का भी डर रहता है। उसके बाद हम इसमें अराउंड 1 टेबल स्पून करीब अच्छे से ये रिफाइंड ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी पड़े हुए एक दूसरे से स्टिक ना हो। ये देखिए, इस तरीके से हमें हाथ से ही अच्छे से इनको मिक्स कर देना है इसमें ऑयल डाल के।
देखिए नूडल्स वाले आते हैं, आप देखते होंगे रेस्टोरों में भी नूडल्स बॉयल पड़े रहते हैं, वो इस तरीके से बॉयल करके रख लेते हैं, जब उन्होंने बनाना होता है तो वो बना लेते हैं। इसको अच्छे से रिफाइंड को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारे में लग जाए, सभी नूडल्स में, और अच्छे से लग जाए, जिससे बिल्कुल अगर स्टिक नहीं होंगे नूडल्स, सही से बॉयल हुए स्टिक नहीं हुए तो नूडल्स बनेंगे ही बहुत अच्छे। ये आप देख रहे होंगे एक एक नूडल अलग है, ये देखिए इस तरीके से हम इसमें पूरा ऑयल लगा के अच्छे से हिला लेंगे। हमारे नूडल्स अच्छे से बॉयल हो गए। अब हमने करना क्या है, एक बड़ा पैन लेना है, कोई भी बर्तन जो बड़ा हो, उसमें थोड़ा सा पहले ऑयल डालेंगे, उसके बाद ब्रश से सारे बर्तन में पूरे में अच्छे से ऑयल लगा देना है, और उसको हाई टेम्परेचर पर रखना है, बिल्कुल हाई की कढ़ाई ये जो है अच्छे से गर्म हो जाए। देखिए चारों तरफ मैंने ऑयल लगा दिया है, इसको अच्छे से गर्म करना है। बिल्कुल पैन अच्छे से गर्म हो गया, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, तो 1 से 1.5 टेबल स्पून हम इसमें अराउंड देखिए ये रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, इतना तो डल जाएगा, ये डाल देंगे, ये भी अच्छे से गर्म कर लेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स हमने फटाफट हल्की सी पकानी है और क्रिस्पी भी रखनी है। इसके लिए हम सबसे पहले डालेंगे ये ग्रीन चिली, और चलिए ग्रीन चिली और ये प्याज डालेंगे हम, इसको अच्छे से 1 मिनट भी नहीं करना, 30 सेकंड्स के लिए प्याज को सौते कर लेंगे। हाई फ्लेम पे करना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बिल्कुल भी मीडियम स्लो फ्लेम का कोई मतलब नहीं होता है चाइनीज में। 30 सेकंड्स हो गए, अब इसमें हम डाल देंगे कैरेट, कैप्सिकम और बेल पेपर, इसको फिर हम 30 सेकंड्स के लिए ज़्यादा नहीं हाई फ्लेम पे अच्छे से सौते कर, हम इसमें डाल देंगे कैबेज, सबको अच्छे से हम हाई फ्लेम पे अच्छे से हिलाते रहेंगे कंटिन्यूसली। हमें इसको क्रंची रखना है, वेजिटेबल्स को गलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ओनली 30 to 40 seconds। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून फाइनली चॉप गार्लिक डाल देंगे इसमें, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो मत डालिए, टोटली ऑप्शनल है ये। इसके बाद बस इसको स्टिर करना है, हाई फ्लेम पे चल रहा है सब कुछ, ये हमारे 30 to 40 seconds हो गए। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे, इसे डालना ज़्यादा कुछ नहीं डलता, अराउंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डल जाएगी इसमें, अराउंड 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट डल जाएगा, बाकी सॉल्ट हम बॉईल करते टाइम भी डाल चुके हैं इसमें। 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें सोया सॉस, और उसके बाद हमें डालना होता है, वैसे तो देखिए चिली ऑयल भी डलता है, अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं थोड़ी सी शेजवान चटनी डाल रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर का जो ऑयल होता है जनरली वो एज ए चिली सॉस और चिली ऑयल यूज़ किया जाता है। अब हम इसको देखिए वेजिटेबल डालने के बाद ये प्रोसेस हमें सब कुछ फटाफट डालना और फटाफट करना है, नहीं तो वेजिटेबल गलती जाएंगी। ये देखिए हम डाल दें, अब हम इसके बाद डाल देंगे ये नूडल्स, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हमने सारे नूडल्स डाल लिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये नूडल्स को देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे करके इस तरीके से, इस तरीके से अच्छे से सारा यूं बीच बीच से खोल के, ये देखिए चिपके ना, वैसे स्टिकी नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली बॉयल हुए हैं हमारे नूडल्स, तो इसको चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसको इसी तरह से हम बिल्कुल अच्छे से पूरा ऊपर नीचे करके इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हक्का नूडल्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, अब बचा है विनेगर, अराउंड 1 टेबल स्पून हम इसमें ऊपर से डालेंगे विनेगर, और हक्का नूडल्स को फिर से अच्छे से एक बारी मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको, आप चाहे तो मिक्स करते समय, मैंने गैस बंद कर दी थी, आप भी कर लीजिएगा, अच्छे से इजीली मिक्स हो जाते हैं। अब इसको हाई फ्लेम पे करके अच्छे से इसको अराउंड 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है, अच्छे से इसको हिला लेंगे, स्टिर करते रहेंगे कंटिन्यूसली हाई फ्लेम पे। ये विनेगर भी डाला है, और इसके बाद हमारे हक्का नूडल्स देखिए बिल्कुल रेडी हो गए, और हम इसको हाई फ्लेम पे करके कि मैंने
मैंने इसको अच्छे से कर लिया, एक मिनट मिक्स कर लिए थे, अब बार बार नहीं हिलाएंगे। आपको मैं ये दिखा देती हूँ, देखिए एक एक नूडल अलग है, ये आपको दिख रहा होगा, आप उबालिएगा जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल एक एक नूडल अलग है। देखिए हमारे हक्का नूडल्स तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस इसमें एक चीज़ है, अगर आपके पास स्प्रिंग अनियंस हैं तो आप छोटे छोटे महीन महीन काट के ऊपर से स्प्रिंग अनियन डाल दीजिए, क्योंकि आजकल तो सीज़न नहीं है, स्प्रिंग अनियंस नहीं आ रहे हैं, तो मैंने नहीं डाला है। तो अगर आपको अवेलेबल हो जब आप बना रहे हो तो अगर स्प्रिंग अनियन हो तो ज़रूर डाल दीजिएगा काट के महीन महीन, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो चलिए हमारे हक्का नूडल्स तो बन गए हैं, रेडी हो गए। देखिए फ्रेंड्स मेरे हक्का नूडल्स खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसको बिल्कुल भी टेस्ट करने की बस इसमें आप सॉल्ट देख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत कम लग रहा हो तो वो आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमें सॉसेस वगैरह में भी सॉल्ट होता है, तो मैं नमक उसी इसलिए कम मैं बताती हूँ। और चलिए बाकी इसको ट्राई करिए, बनाइएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा बना, क्योंकि पता ही है एक ऐसी चीज़ है चाइनीज़ जो घर में बच्चे बड़ों सबको बहुत अच्छी लगती है, और छुट्टी के दिन तो वैसे भी बच्चों को कुछ अलग हटके चाहिए होता है। तो आप ये बनाइए, और चाइनीज़ में तो देखिए बस वेजिटेबल्स अगर कटी पड़ी हो तो बनाना बहुत ही आसान होता है, तो वेजिटेबल्स आप एक दिन पहले काट के रखिए और छुट्टी वाले दिन बच्चों को फटाफट बना के खिलाइए, और आप लोगों का कैसा बना ये भी मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।